हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड यार यहाँ पे आए थे हम अपनी बाइक को अभी वॉश कराने के लिए, लेकिन एक भी आज वॉशिंग सेंटर नहीं खुला है। मेरी किस्मत ही ख़राब है। अब पिछले वीडियो में मेरे फ्रेंड लोगों ने बोला यार कि ये इतना गंदा बाइक दिखता है, एटलीस्ट उसको वॉश करके तो वीडियो बना लिया कर। और फिर से बताओ, इसलिए अभी वॉश करने का मन नहीं करता है क्योंकि यार इधर मेरे साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उधर सीवर है उसका पानी यार सीरियसली कहीं इतने भी बार मैं वॉश करा दूँ वो दो दिन में पूरा ऐसा का वैसा दोबारा सीर हो जाता है। इस चक्कर में मैं वॉश नहीं कराता हूँ। सो आपको पता ही होगा अपाची 200 में सबसे ज़्यादा चैन के नॉइज़ का एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब भी हम अपनी स्पीड पे कांस्टेंट स्पीड पे चला रहे हैं, लाइक 60, 70, 80, इवन अगर हम 40 भी चला रहे हैं उसको अगर हम कांस्टेंट स्पीड रख रहे हैं, एक अजीब सी कट 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 वाली साउंड आ रही है। लाइक हमारे चैन स्लैक परफेक्टली ठीक है, हमारी चेन पूरी ल्यूब है, हमारी चेन क्लीन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी चेन में वो कट कट की साउंड आती जा रही है, उसका कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिला है। नॉट ओनली दिस, यार सीरियसली बताइए, मेरे गियर शिफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गए हैं उसकी वजह से। गियर जब भी हम अपने स्लॉटिंग कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्लॉटिंग हो रहे हैं, जबकि आपको पता होगा अगर चेन ड्राई रहती है तब ये प्रॉब्लम आती है, जब वो ल्यूब हो जाती है तब ये प्रॉब्लम नहीं आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे मैं एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ, आप इस क्लिप से सुन सकते हैं हमारी चेन कितना ज़्यादा साउंड कर रही है अगर हम एक कॉन्स्टेंट स्पीड से अपनी बाइक को राइड कर रहे हैं, जबकि हमारी चेन ल्यूब है, परफेक्टली वो अलाइन है, उसके बावजूद ये साउंड हमें आ रहा है। वही नहीं, आपको मैं एक प्रॉब्लम और बताता हूँ, हमारी बाइक में अजीब सा जर्क आ रहा है। आई नो अगर आप लाइक लोअर गियर में रहते हैं उसके बाद अगर आप गियर को स्लॉट इन या स्लॉट डाउन करते हैं तो वो जर्क आता है, लेकिन जब आप थ्रॉटल को ओपन करते हैं एक अजीब सा जर्क आ रहा है। मतलब ये देखिए, देख सकें, मतलब ऐसा जर्क आ रहा है कि मतलब कोई चीज़ हमारी चेन को मूव करने से पहले उसके बीच में कोई स्पेस है जो वहाँ पर आपस में लड़ रहा है, लाइक वो गैप बढ़ गया है, क्या प्रॉब्लम है। तो उसको लिए हमने दो पार्ट्स ऑर्डर किए थे, वो पार्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, उसको हमने सर्विस सेंटर से पिक कर लिया था। तो अब हम घर चलते हैं, घर चलने के बाद पहले हम उसको अपनी बाइक में रिप्लेस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। सो फाइनली हम घर पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे भाई पार्किंग ज़्यादा बड़ी है नहीं, तो हमें बाइक को जिस तरीके से यहाँ पे खड़ी करनी पड़ी है। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमने पार्ट्स तो अपने सारे पिकअप कर लिए थे जो हमें सर्विस सेंटर से पिक करने थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें इस फ्रंट स्पॉकेट एरिया को खोलना है, बट सीरियसली बताऊँ यही नहीं, हमें इस एरिया को भी खोलना है एंड हमें ये पैनल भी खोलना पड़ेगा। तो अगर हम बोले हमें कि यहाँ के पार्ट को एक्सेस करने के लिए हमें जो पार्ट रिप्लेस करना है इसके लिए हमें ये ये और ये पार्ट ओपन करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और सीरियसली बताऊँ हमें इसमें काफ़ी सारे टूल्स चाहिए रहे। हाँ जी, तो इतना सारा टीम जाम खोलने में, सही बता रहा हूँ, हालत ख़राब हो गई यार। सीरियसली बता रहा हूँ, देखने में जितना इजी लगता है ना ये रियल में इतना इजी नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फ्रंट स्पॉकेट एरिया पूरा ओपन हो चुका है। सो यहाँ पर अब हमने अपनी चेन को भी लूज़ कर लिया प्रॉपरली, आप देख सकते हो। तो डैट इसमें अब हमें काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये हमें कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं क्रिएट करेगा। सबसे पहले हमें इस एरिया को क्लीन करना पड़ेगा। इवन आप यकीन नहीं करोगे, 1000 किलोमीटर पहले ही मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें ही मैंने इसे प्रॉपर क्लीन किया था, जिसमें गियर सेंसर इधर आ रहा था, मेरे ऊपर आए बटन में आ रहा होगा वो भी। तो आप देख सकते हो उसमें क्लीन किया था, लेकिन आप इसकी हालत देख रहे हो। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ इसके टीथ टोटली तिरछे हो चुके हैं, अगर आप स्पॉकेट पे नोटिस करें। एंड इसी वजह से आप देख रहे होंगे ये अभी हमें स्पॉकेट जो है हमारे चेन को छोड़ नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से हमें फोर्स लगा के इसको निकालना पड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसको प्रॉपरली क्लीन कर दिया है, आप साइड बाई साइड दोनों पिक्चर्स को देख सकते हैं, आफ्टर एंड बिफोर। चलिए अब हम अपने पार्ट्स को अवेल करते हैं कि जो हम इसमें चेंज करने वाले हैं एंड क्यों उसको हम चेंज कर रहे हैं, उसका भी हम रीज़न बताते हैं। अगर बात करें हम रिप्लेसमेंट पार्ट्स की, तो हम ये दो पार्ट्स में चेंज करने वाले हैं। अगर हम पर्टिकुलर बात पार्ट्स की बात करें तो ये हमारा है चेन गाइड एंड ये है हमारा फ्रंट स्पॉकेट। एंड अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम फ्रंट स्पॉकेट को क्यों चेंज कर रहे हैं, हम पूरी अपनी असेंबली क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, आई मीन फ्रंट स्पॉकेट सेट, एंड क्या रीज़न है इसको चेंज करने का। तो हम अपना फ्रंट स्पॉकेट सेट क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, इसका आंसर हम इस वीडियो के आपके लास्ट में देंगे, आप प्लीज़ वहाँ तक बने रहिएगा। अगर हम बात करें पहले पार्ट की, आप देख सकते हैं हमारा ये चेन गाइड पुराना वाला है
ऑल दो कंपनी इसको रिकमेंड करती है हमें 12,000 किलोमीटर पे रिप्लेस कर देने के लिए, और हमने इसको 30,000 किलोमीटर तक चला डाला, अभी तक हमने इसे एक बार भी रिप्लेस नहीं कराया था। लेकिन इसका काम होता है नीचे से हमारी चेन के मोमेंटम को गाइड करना, सो डैट वो हमारे नीचे किसी भी एंगल पे वो लड़े ना तो, या फिर उससे हमिंग साउंड ना आए। लेकिन आप देख सकते हैं इतना ज्यादा यूज करने की वजह से इसके अंदर आप चेन के पूरे ग्रुप्स बन चुके हैं, ये पूरा घिस चुका। आप यहाँ देख सकते हैं नए वाले में अभी देखिए राउंड टाइप से अभी इसमें शेप भी है एंड इसके अंदर भी कोई भी ग्रूव नहीं है, ये मतलब अभी ये प्रॉपरली पूरा ठीक है। लेकिन आप इसको देखिए, इसका जो प्लास्टिक है इसके अंदर भी पूरे ग्रूव्स बन चुके हैं। आई थिंक अगर इसको हम कुछ किलोमीटर और चलाते तो ये हमें इस साइड भी आ जाता है इसको होल करके, तो ये आप देख सकते हैं इसकी कितनी बुरी कंडीशन हो गई, ये पूरा खत्म हो चुका है हमारा। वेयर एज दूसरे पार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा ओल्डेस्ट पॉकेट है, ये हमारा न्यू पॉकेट है। ये नियर अबाउट हो चुका है कि हमें दूसरा चेन से डाल देना चाहिए, लेकिन हमारे रियर पॉकेट का भी टीथ बिल्कुल ठीक है एंड इवन उसमें एडजस्टमेंट के लिए भी अभी काफी स्पेस बाकी है। जो हमारे चेन स्लैब को एडजस्ट करता है तो उसको हम इजिली अभी एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसके टीथ को नोटिस कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेंड हो चुके हैं, आप इसको नोटिस कीजिए अगर, या वेयर आप न्यू वाले को नोटिस करिए तो ये अभी पूरे सीधे हैं, इसमें कोई भी टीथ अभी बेंड नहीं है। वहीं आप एक चीज और नोटिस करिए तो इसके टीथ एकदम पतले हो चुके हैं एंड ये घिस चुके हैं। नॉट ओनली डैट, ये इतने घिस चुके हैं कि अगर हम तेज थ्रॉटल देते हैं तो ये हमारे टीथ टूट भी सकते हैं। अगर हम कोई भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, टूरिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे टूट सकते हैं, रास्ते में हमें ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। आप हमारे रियर पॉकेट के टीथ को भी देख सकते हैं, ये अभी पूरा ठीक है। अगर उसको हम कंपेयर करें इस फ्रंट पॉकेट, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, हमारे फ्रंट पॉकेट की क्या कंडीशन हो चुकी थी। वेयर एज आप देख सकते हैं पीछे वाले की टीथ हमें अभी बिल्कुल ठीक है। अगर इसको हम नए वाले से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं हमारा रियर टीथ हमारे नए वाले टीथ के अभी इक्विवेलेंट ही है एंड उस जर्किंग की वजह से केवल हमारा केवल फ्रंट पॉकेट खराब ही नहीं हो रहा था। आप यहाँ पे एक्सल पे भी नोटिस कीजिए, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी मार्किंग्स आ रहे थे। ये हमारे ड्राइव शाफ्ट है जो हमारे इंजन से हमारे पॉकेट को रन करती है। चलिए असेंबली प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमारी चेन ल्यूब होने के बाद भी ये यहाँ पे रस्ट के निशान कैसे आ जा रहे हैं, ये स्कोरिंग मार्क कैसे आ जाते हैं, तो उसका कॉज भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका कॉज है ये, अगर आप इसके ब्लेड के आप एंड को नोटिस करिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें किस तरीके से यहाँ पे भी वही सेम मार्क से जो हमारी चेन पे है। हो क्या रहा था, ये इतना पतला हो चुका था कि उस पर्टिकुलर पार्ट में बहुत तेजी से हमारी चेन को कट करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे हमारे जो भी ल्यूबिंग होती थी बहुत जल्दी वो फेड ऑफ हो जाती थी। आप देख सकते हैं हमारे चेन के अदर पार्ट्स पे अभी भी प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये पार्ट इतना ज्यादा तेजी से रब हो रहा था, वो उसको कट कर रहा था, इस चक्कर में वो हमारा जो मार्क था चेन पे पड़ता जा रहा था और वहां पे वो रस्ट आ जा रहा था क्योंकि हमारा ल्यूब्रिकेशन वहां पे होल्ड कर ही नहीं पा रहा था। एंड फाइनली चेन स्लैब को एडजस्ट करते टाइम हमें इन मार्किंग्स का ध्यान रखना है। अगर ये मार्किंग सही नहीं होगी तो हमें एक वियर्ड की कट कट का साउंड आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो मार्कर दिख रहे हैं, एक दो, तो इसका मतलब ये हमारे टू पॉइंट है। हमें सेम ही सेटिंग दूसरे साइड भी करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे देख सकते हो एक और दो, यहाँ पे दो थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसको हमें क्या करना है थोड़ा सा टाइट कर लेना, ज़्यादा नहीं एंड बस। आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारी मार्किंग अब बराबर हो गई है, इस पर हम अपने व्हील को टाइट कर सकते हैं। तो हे देयर गाइस, वेलकम बैक। सो हम लोग यहाँ पे अपने मोटो ब्लॉग पे आ चुके हैं एंड यार आप पहले सबसे पहले मेरे को ये बताना कि हमारे माइक में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ यार, क्योंकि सीरियसली बताऊँ हर बार मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, उसके ऊपर टेप लगा रहा हूँ, उसके ऊपर डबल विन फोम लगा रहा हूँ, लेकिन सीरियसली बताऊँ कोई भी फायदा नहीं हो रहा है यार, ये वॉइस बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। इवन मैंने कई सारे माइक्रोफोन्स भी ट्राई कर लिए, इवन अब मैं थोड़ा धीमे भी बोलने को ट्राई कर रहा हूँ सो डैट हमारी आवाज़ ज़्यादा बफल ना हो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ बोलते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए उस टॉपिक को हटाते हैं एंड मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी तक हमने जो दो पार्ट चेंज किए उसकी वजह से क्या कोई भी इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है। अभी मैं यहाँ पे बोलना बंद करता हूँ, थोड़ा साइलेंट होता है, फिर आप मेरे को बताइएगा। पीछे मैं एक डेढ़ किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ, एक्चुअली उधर से मेरा घर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, चक्कर में मैंने उधर कैमरा नहीं ऑन किया था, तो एक डेढ़ किलोमीटर में चला है। अभी भी आप देख रहे हो, ये सीरियसली बता रहा हूँ चेन बहुत ही साइलेंट हो चुकी है, बहुत ही स्मूथ हो चुकी है। और सबसे मेन प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा था ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे थ्रॉटल डाउन किया
और ये देखिए ओपन किया, जो मैं जर्क की प्रॉब्लम बता रहा था आप देख सकते हो, जर्क वाली प्रॉब्लम सबसे पहले हमारी खत्म हो चुकी है। ऐसे नहीं अभी रुकी है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ऑल ऑफ टाइम, अगर मैं थॉटल ओपन करता हूँ वैक ओपन करूँगा तब भी वो प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारी जर्किंग की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। और दूसरी चीज़ हमारी जो चेन है, इसे चेन बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो चुकी है। हाँ अगर हम यहाँ पे अपना चेन बफर भी चेंज कर देते तो ये जैसे हमारा ब्रांड न्यू था वैसा हो जाता, बट कोई नहीं उसको भी हम जल्दी ही चेंज करा लेंगे। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आएगा कि हमने अपना पूरा कंप्लीट चेन सेट क्यों नहीं चेंज कराया, हमने अपनी फ्रंट पॉकेट को ही चेंज कर लिया, रिकमेंडेड नहीं होता है एंड ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं चेंज कराया, अभी आप जब देख रहे होंगे एडजस्टमेंट के टाइम पे हमने आपको बताया था, अभी भी हमारे पास एडजस्टमेंट चेन को एडजस्ट करने के लिए दो मार्कर की स्पेस बाकी है। दो मार्कर का एडजस्ट करने का मतलब है कि हमारे पास इजीली अभी कम से कम हम इस चेन सेट को 8 से 9 हज़ार किलोमीटर और चला सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, आप देख सकते हो अभी मेरी चेन की कंडीशन भी पूरी ठीक थी, और यही नहीं आप पीछे वाला मेरा स्पॉर्केट भी देख सकते हो, मेरा रियर स्पॉर्केट अभी कम्प्लीटली फ्रेश है, मतलब उस पर अभी वेयर एंड टेयर मैक्सिमम आप देख सकते हो 30% हुआ, 70% अभी वो बिल्कुल फ्रेश है। तो यार अगर मेरा अभी इतना बताओ, मेरा 250-300 रुपये लगाने पर अगर मेरे 3,000 रुपये बच रहे हैं तो आई डोंट थिंक वो बुरी डील है। देख सकते हो हम इवन 100+ भी चल रहे थे तो हमारी चेन में बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है, बहुत ही स्मूथ है। तो भाई सीरियसली बता रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे पैसे बच गए भाई, मेरे लिए ठीक है। और इवन मेरे सारे जो ओल्डर पार्ट्स हैं अभी जब वो चल सकते हैं, मैं उसको क्यों चेंज कराऊँ। तो चलिए आपके क्या थॉट्स हैं आप यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि यार फ्रंट मार्केट चेंज करना सही था कि नहीं था, कि मुझे पूरा चेन सेट चेंज कराना चाहिए था, और आपकी क्या ओपिनियन है। लाइक हो सकता है मे बी कुछ पॉइंट्स हो जो मुझे ना पता हो, आप लोग मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, तो प्लीज़ आप उसको यार नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर यार आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको हमारा फैक्ट थोड़ा भी अच्छा लगा हो, देन डोंट फॉरगेट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस।